अभी हम लोग हैं नारनौंद में और मेरे साथ रणबीर लवान जी हैं भाई। आप लोगों ने इनकी वीडियो भी देखी होगी फेसबुक पेज पर। जमा गरीब तक गरीब करके बालकन ने भी अमेरिका और दूसरे देशों में भेजन लाए रहे, तो बातचीत कराँगे। राम राम जी। राम राम जी। राम राम प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हरियाणा वाणी और द लोकल एक्सप्रेस जो आपका न्यूज़ रणबीर है, जी, आपका पेज पे वीडियो देखी, जमा गरीब करके बालक किसान मजदूर ये भी विदेशों में भेज दिए। देखो मैं तो जब अमेरिका दा था तभी कह रहा था कि बिल्कुल गरीब और किसान मजदूर के लिए काम करेंगे, रफा करने लग रहे हैं। और इसीलिए हमने ये कहा था कि मैंने कमाना नहीं है, मैंने ये भाई जो है ना हमारा किसान और मजदूर है इनको कमाना है, और ये आज कमाने लग गया। कल की आपकी कड़े बड़ छप्पर की वीडियो मैं थी। बड़ छप्पर था, एक बिल्कुल ही किसान परिवार है अपना, नगूरा में भी है, एक बच्चे का लग्या है, गंगनखेड़ी में भी लग गया है, करनाल के पास एक गांव वहां भी मतलब लग गया है। विजय आने लगी अब तो। ओ लग गए सबके। अब तो जी पिछले 7-8 दिन से कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन हमारा वीजा नहीं हो, डेली का एक दो वीजा है, डेली का। जो बड़े सफर वाला किसान है उसकी क्या स्थिति है, क्या हालात है? सारे नॉर्मल है, 1 किला है, 1.5 किला है। एक ने तो बल्कि मेरे को ये कहा, एक बेटी है अपनी, वो कह रही थी जी कि मेरी माँ तो ये बोली कि लड़का बहुत बढ़िया है, और बोला मैं और मेरे पिताजी हो गए, वो यू छोरा है ना राजनीति करनिया है, यू पीछे पछे बटले करे है, और बोला जी मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए फाइल लगाऊं थी लेकिन मेरा बोला गैप था, तो बोला फिर मेरी माँ बोली एक बार जाके तो देखो। बोला जी सच्ची बात बताऊँ महान जी कि जी 25 लाख का तो जींद में मकान ले लिया, और या 5-6 लाख में छोरी अमेरिका चली जाओगी जी, बोला आपका तो बोला औलाद के खेड़े बसो। मेरे को कल उसने ऐसी मतलब सच्ची बोली कि हम तो ये सोचा थे जी कि आप तो झूठ बोल रहे हो, लेकिन मेरी माँ अड़ी रही, और बोला हम बाप बेटी दोनों एक तरफ थे, मेरी माँ एक तरफ थी, और बोला जी आज मेरी माँ जीत गई। तो मेरे को इतनी खुशी हुई कि बेटा तुम अच्छी बात भी बोली, साफ साफ बोली। और जो इन बच्चों को ये लग रहा था, लोगों को लग रहा था कि ना इतने पैसे में अमेरिका नहीं जा सकते, ये सारे इतने में जान लग रहे हैं जी। और अब तक 70,000 रुपये मतलब इनका खर्चा आया। मैंने सबसे पूछा भी है लाइव, ओनली 70,000 रुपये। मैंने सबसे लाइव आके पूछा, मैं बेटा सच बता क्या सच में ही 70 लगे अभी तक? और मैंने शुरू में आपको बोला था तो पहली दफा आए थे कि मैं 70 ही लगना है और 5.5-6 लाख में पार चले जाऊंगे, उतना ही लग रहा आज भी। मैं तो 5 महीने के बाद भी देख लो, और ये सारे के सारे मैं मिलवा भी दूंगा आपने। एक तो नगूरा ऐसे हैं, आपकी पहुंच में भी है लड़की, बिल्कुल नगुरा में की उनकी क्या स्थिति थी नगुरा में? बेचारी मतलब बिल्कुल ही गरीब परिवार है जी, क्या बताऊं उनके बारे में, बोलना भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल ही गरीब परिवार है। और अब वो बेटी अमेरिका जाएगी, मतलब सारे मतलब ठीक है, मतलब इसके बारे में ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता बोलना है ना किसी को, ये बोलना कि उसका तो था नहीं ये नहीं था। बस ओनली 70,000 रुपये अमरीका भेजना, मतलब 70-70 लाख 60 लाख। मैं ये समझा समझा के तो 6 महीने हो गए जी मैंने कहते हुए, और आपने भी बतेरे टेलीफोन आकर दे जी जुम्मे साढ़े 5-6 लाख रुपया में यू देख तो लो जी, 70,000 रुपये वीजा लग गया, इवन 4.25 लाख रुपये 4.25 लाख रुपये उन्हें फीस भरनी है, और मेरे दे भी सारा सोता मेरे समेत आओ कर 6-7 उसमें पहुँच गए, इस तो फालतू लगना ही नहीं जी। बाकी तो फिर ठीक है जी, जिन लोगों ने 35 लाख 40 लाख देने दे ही जाओ, हारा के मतलब हमने तो टोटली सब कह दिए रही, आपका आख्या गए जी। मैं तो बताने लग रहा हूँ भाई, नगूरा में भी लगा है, बड़ छप्पर में भी लगा है, मैं सांबड़ो गया था भाई 4 दिन पहले, आपने मेरी वीडियो देखी हो तो सांबड़ो पहला ही वीजा और पहले ही दिन इंटरव्यू और पहला ही वीजा लग गया हमारा। भारत में आपके कितने ऑफिस चल रहे हैं अभी? अभी 38 ऑफिस है हमारे, 38 ऑफिस पूरे भारत में, पूरे भारत, उत्तर भारत में ज़्यादा है। हाँ उत्तर भारत में, अभी साउथ में अभी केने भी करेंगे, अभी शुरू करेंगे बस, अभी राजस्थान में शुरू कर दिए, राजस्थान में झुंझुनू में है, हनुमानगढ़ गंगानगर और अजमेर, और उत्तराखंड में अभी उद्धम नगर है रुद्रपुर वहाँ किया है, अब पंजाब में शुरू करेंगे ज़्यादा, तो क्योंकि ये सेवा देनी है ना गरीबों को, अपने गरीब किसान परिवार, अपा सारे एक किसान और का मेरे वर्ग से ही है जी, और अपन मज़ा आवेगा कि इन बच्चों ने जब तरक्की करेंगे, बस उसी मज़े खातर घूमने लग रहे हूँ। और नहीं तो अमरीका चला गया था, मैं भी अपने पैसे कमाता, दुनिया जाने लग रही है, दुनिया जाने के लिए तरस रही है, मैं जाके वापस आया हूँ, तो इसीलिए आया हूँ कि कैसे ये बालक हमारे त्यार तरक्की करे, और इन्हीं पर लग रहा हूँ मैं। और मैं बड़ा चीख चीख कर कह रहा हूँ क्यों बोले हो रहे था, मीन कमे की नारे लगाओ हो तो हम सारे हमारा साथ दो और हम अपना करांगे कोशिश। और मैंने तो ये भी नहीं कहा किसी थी कि अमरीका सारा सौदा मेरी मुट्ठी में, भाई एम्बेसी है वो देवेगी कि नहीं देवेगी उनकी मर्जी। हाँ मेरा भाई अमेरिका था अभी थोड़े दिन पहले, आपसे मिला भी था ठीक समझ, हाँ
उस भाई ने जो इंटरव्यू तैयार करवाए ना, लगभग सब ने एक ही बात कही थी, जो आपने तैयारी करवाई ना उसका नतीजा है। मेरे भी एक समझ में आई कि भाई वाक्य में मतलब जो तैयारी में तेरी तैयारी में दम है, उसका एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा जी, तो इसलिए हमारे वीजा ज़्यादा लग रहे हैं। अब ये देख लो रेशो परसों में, आज तो 25 के पार जा रही है कि 25 बच्चों में से 18 के हमारे लग रहे थे, तो ये देख लो रेशो कितनी है, ये तो 80% के आसपास घूमण लग रही है, लोगों के 50 भी नहीं पहुंच रहे। और मैं तो रुका मार के कहूँ हाँ हमारे भी 5-4 बच्चों के रिफ्यूजल आए, ऐसा नहीं है, लेकिन वीज़ा ज़्यादा लग रहे हैं। अब वो एक्सपीरियंस था या इनका लक था इन बच्चों का, अपना तो स्वाद आ रहा है कि अपना किसान का बालक बाहर जाओ है, बस जहाज में बैठेगा चप्पल पहन के और माँ बाप खंड का पहन के जाओगे, स्वाद है। बिल्कुल, एक बेरोजगारी भी मेन मुद्दा है, देखो बेरोजगारी ज़्यादा हो गया, बुरा हाल हो गया, पढ़े लिखे भी आंदे हैं, बेरोजगारी ज़्यादा है, हमारा जो युवा है पॉपुलेशन हमारे देश में ज़्यादा है, इन बच्चों को रास्ते तो पकड़ने पकड़ने पड़ेंगे, और यही एक चीज़ है कि उन्होंने रास्ते पकड़ने शुरू कर दिए। अभी ऑस्ट्रेलिया ने जैसे बैन कर रखा है, और कनाडा में अगर एडमिशन आज करवाएंगे तो मई 2024 में होगा, तो अमेरिका ही एक आज की डेट में ऑप्शन बच रहा है, और हम अपना लीगल प्रोसेस से काम कर रहे हैं, तो क्यों लूटना है और क्यों फालतू में पैसे खर्च करने हैं, सबको प्रेस प्रोसेस बता दिया। हाँ अगर मेरे अंदर बेईमानी होता या मुझे लालच होता तो मेरे भी भाव बहुत ज़्यादा होते। तो मतलब कोई गरीब का बच्चा जैसे दूसरा देश में जाना चाहो तो आपसे संपर्क किस तरह करें, आपके ऑफिस में? ये अपने ऑफिस है मेरे, मेरी फेसबुक पे आज 35 ऑफिसों के नंबर भी डाल दिए, 2-3 ऑफिस हैं उनके मैंने नहीं डाले अभी, संपर्क कर ले। हाँ वो संपर्क उन नंबरों पे कर ले, वो हर डिस्ट्रिक्ट के साथ है वो ऑफिस, तो उन्हीं नंबरों में अपना टेलीफोन दे रखे मैंने सबके, उन्हीं ऑफिसों में जाए, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। फिर भी किसी भाई ने कोई दिक्कत है तो मैं नारण तो हुई या फिर मैं चंडीगढ़ हूँ, और आप रहे हमारे भाई हैं, आपकी पहुँच में मैं 24 घंटे हूँ, आप तक आ जाए कोई दिक्कत नहीं हमने। देखो मतलब आप अकेले आदमी 38 ऑफिस हैंडल कर रहे हो, कुड़ियाँ तेनों को नहीं आया दांत लेगा, किसी ने ज़्यादा रुपये ले लिया? एक ने भी नहीं लिए जी, ना लेने देंदा। अच्छा। और जब ले लिया तो बंद कर दूंगा उसी समय, चाहे कोई हो जी, चाहे मेरा बेटा अगर गलत करेगा या मेरी बेटी गलत कर देगी, तो मैं उनके साथ किसी भी तरह का भावनात्मक मतलब ये नहीं रखूँगा, चलो इसने तो कर दिया कोई बात नहीं, तुरंत प्रभाव से 1 सेकंड में मैंने आईलैंड सेंटर कर रखा जी, 22 बच्चों को निकाल दिया मैंने जिन्होंने छोटी ही भी गलती कर दी। मैंने कहा भाई ये चीज़ है ये नहीं करनी, किसी एक मैंने सोचा कि छोड़न क्यों हुआ है, मैंने बाहर कर दिए। अगर अमाउंट की बात करूँ तो 7-7.5 लाख रुपये गए, लेकिन मैंने उससे ज़्यादा उन बच्चों की फिक्र है जो वहाँ हैं और वो पढ़ रहे हैं, और हमारे आईलैंड सेंटर में अभी तक 5 बच्चों ने पेपर दिए हैं, क्योंकि 2 महीने में चलते हैं, 5 के 5 बच्चे 7, 6.5 ये 6 ये बैंड है तीनों, मतलब सारे क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया मेहनत कर रहे हैं जी, कोई परेशानी नहीं। धन्यवाद रणबीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं नहीं बिल्कुल, आप भाई हैं हमारे, और आपकी वजह से ही जो ग्रामीण स्तर का जो बच्चा है वो तरक्की कर रहा है, और आपकी न्यूज सुन सुन के बहुत से लोगों का भला होगा। मैं तो आप कह रहा हूँ कि आपका बड़ा धन्यवाद, आपने बड़ा समय दिया। बिल्कुल जी, शुभकामनाएं, धन्यवाद, थैंक यू। तो वही रणबीर लोहान जी आते संपर्क कर लियो, जिसने भी दूसरा देश में जाना हो, बिल्कुल कम रुपया में भेजने लग रहे हैं, गरीबों के बालक भी मतलब दूसरे देशों में जान लग रहे हैं, तो इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। फिलहाल हाँ नारनूंद में।